गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो आज फ्रेंडशिप डे है, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइएगा कहीं घूमने के लिए। तो मैं हूं आपका दोस्त नीरव शाह, हम लेकर आते हैं आपके लिए डिफेंस अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था लास्ट संडे को, और इन 7 दिनों के दौरान मुझे इतनी सारी डिफेंस अपडेट्स मिली है, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो पोस्ट कर लेता हूँ इसी पे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। बहुत सारी डिफेंस अपडेट है, पेपर में लिखनी पड़ती है। तो पहली जो डिफेंस अपडेट्स निकल के आ रही है, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो एक एयरफोर्स का एक पीच ब्लैक एक्सरसाइज, जिसे कहते हैं, ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया था इंडिया के साथ, जिसमें इंडिया के फाइटर प्लेन्स SU-30 MKI ने पार्ट लिया था, और ऑस्ट्रेलिया के जो फाइटर प्लेन्स थे FA-18 सुपर हॉर्नेट, उन्होंने पार्ट लिया था। अभी इसमें हुआ ये है कि 90 मिनट्स की एक्सरसाइज में इंडिया के जितने भी फाइटर प्लेन्स थे SU-30 MKI, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और ऑस्ट्रेलिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि भाई मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में Sukhoi-30 MKI जैसा कोई भी फाइटर प्लेन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो Su-30 MKI फाइटर प्लेन है वो रशिया है। इंडिया में इसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डेवलप कर रहा है अंडर लाइसेंस ऑफ रशिया के तहत। तो चलिए दोस्तों, ये अच्छी बात है कि इंडियन फाइटर प्लेन्स जो है अपना जलवा दिखा रहे हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं आज की दूसरी न्यूज़ अपडेट पे, जो कि निकल के आ रही है रशिया से। तो दोस्तों, रशिया ने जो है वो इंडिया को एक कॉर्वेट ऑफर किया है, और ये कॉर्वेटिस जो है वो कैरकू क्लास का कॉर्वेटिस है। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉर्वेटिस के अंदर रशिया ने इतने एडवांस फीचर्स जो है वो डाल के दिए हैं कि इंडिया इसे डिनाई नहीं कर पाएगा। इसकी जो तकरीबन कॉस्टिंग है, 7 कॉर्वेट ऐसे ऑफर किए जा रहे हैं, जिसकी अल्टीमेट कॉस्टिंग कुछ आ रही है $2 बिलियन के आसपास। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो 7 कॉर्वेटिस है, ये एडवांस कॉर्वेटिस होगी, जिससे नेवी को बहुत फायदा होने वाला है। इस कॉर्वेटिस का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डिस्कस करने जाऊं तो वो रहेगा 8,500 मेट्रिक टन के आसपास, और इसकी स्पीड भी जो होगी वो 13 नॉट्स के आसपास होगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो एक अच्छी खबर है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस जो है वो दिन ब दिन बेहतर बनते जा रहे हैं। अभी तीसरी जो खबर हमारी आ रही है, वो आ रही है अमेरिका की ओर से। रशिया की न्यूज़ तो आपने सुन ही ली, अभी अमेरिका की भी सुन लेते हैं भाई, अमेरिका क्या ऑफर कर रहा है। अमेरिका ने जो है वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1 का पार्टनर बनाया है। ये STA जो एक अमेरिका का क्लॉज है, ये डिफेंस डील के अंदर वो उसे ही मेंबर बनाता है जो रशिया के पास से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट परचेज नहीं करते हैं। STA 1 के अंदर फिलहाल साउथ कोरिया और जापान, ये 2 देश है जो ऐड थे, और अब इंडिया का भी इसमें रैंक आ गया है। और बेसिकली STA 1 का मेंबर बनने के लिए न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप, ऐसे 8 टोटल जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है, उनका होना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया NSG का मेंबर नहीं है, फिर भी अमेरिका ने इंडिया को STA 1 के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अभी STA 1 का फायदा इंडिया को यहाँ से होगा कि कोई भी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज डिफेंस रिलेटेड, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले लो, वो इंडिया को इजीली मिल पाएगी USA से। तो ये यहाँ पे अच्छी बात है कि नियर फ्यूचर में इंडिया जो है वो एक बेहतरीन डिफेंस प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर खुद ही बना सकता है इंडिया में। ये एक अच्छी न्यूज़ है। अभी बढ़ते हैं हमारी चौथी न्यूज़ की तरफ भाई। चौथी न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है तेजस की ओर से। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था लास्ट संडे के, तेजस का जो है वो एक नेवल वेरिएंट, जो गोवा के दाबोलीम बेस में INS हंसा के ऊपर से टेस्ट किया गया था, उसका टेलुगु वर्जन। तो तेजस में कंटिन्यू पिछले 5-6 दिन से ट्रेनिंग जारी है। अभी ये कंफर्म किया गया है नेवी ने कि जल्द ही वो INS विक्रम आदित्य, जो कि एक इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रंटियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर से INS विक्रांत आदित्य के ऊपर से तेजस को नेवल वर्जन को वापस ये लोग ऑपरेट करने वाले हैं। ये एक ट्रेनिंग ही होगी महज, लेकिन फिर देखने में आएगा कि ये कितना सक्सेसफुल जाता है। फिलहाल तो तेजस जो है वो एक बेहतरीन प्लेन बनते दिख रहा है नेवी के लिए, लेकिन अब देखते हैं नेवी इसे किस एंगल से देखती है। तो दोस्तों, 5वीं न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ आ रही है DRDO की तरफ से। DRDO ने जो है वो रुस्तम 2 के लिए लैंडिंग गियर डेवलप कर लिया है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये लैंडिंग गियर जो है रुस्तम 2 है क्या, पहले आप ये जान लीजिए। रुस्तम 2 जो है वो एक ड्रोन है जो इंडिया ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है। अभी मैं आपको बता दूं कि जब ही DRDO ने जब रुस्तम 2 को डेवलप किया, तभी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए उसके लैंडिंग गियर में, क्योंकि उनका जो लैंडिंग गियर है हमें बाहर से इक्विप करना पड़ रहा था। लेकिन अल्टीमेटली एक अच्छे एफर्ट्स के बाद
रुस्तम 2 का जो है लैंडिंग गियर डीआरडीओ ने खुद ही मैन्युफैक्चर कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गई एक अच्छी न्यूज़ डीआरडीओ की तरफ से। और छठी न्यूज़ भी जो हमारी आ रही है वो आ रही है डीआरडीओ की तरफ से दोस्तों। डीआरडीओ ने जो है एएडी सिस्टम्स यानी कि एंटी एडवांस डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया है। ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल रहती है। मैं आपको बता दूं, अभी आप समझ लीजिए कि दुश्मन का कोई भी मिसाइल, वो मिसाइल जब भी इंडिया के रीजन में एंटर होगा तो डीआरडीओ के इस इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम की मदद से हम इस मिसाइल को ड्रिवन करके उसे हवा में ही टर्मिनल एल्टीट्यूड फेस के ऊपर ही उनके मिसाइल को उड़ा सकते हैं। अभी ये जो टेस्ट किया गया है वो उड़ीसा के बालासोर जिले में किया गया है, नियर कलाम आइलैंड के पास जो है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का जो है वो पहला इंडिजीनियसली इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम रहने वाला है। तो डीआरडीओ को यहाँ पे बहुत अच्छा सक्सेस मिला है। ये जो है रिसेंटली बताने जाओ तो 2014 में इसे यहाँ पे डिप्लॉय कर देना चाहिए था, लेकिन थोड़ी देरी के कारण जो है अभी इंडिया इसे डीआरडीओ इसे लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों ये भी अच्छी बात है। और अभी बात कर लेते हैं हम सेवेंथ न्यूज की। अगर हम बात करें तो ये आ रही है मलेशिया की ओर से दोस्तों। मलेशिया ने जो है वो इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि वो उन्हें Su-30 MKI के स्पेयर पार्ट्स भेजे। अभी मैं आपको बता दूं कि मलेशिया भी जो है वो Su-30 MKM फाइटर प्लेन को ऑपरेट कर रहा है। इसके बहुत सारे वेरियंट्स है, Su-30 MKI जो कि इंडियन वर्जन है, Su-30 MKM जो कि मलेशियन वर्जन है। ये बनाने वाली एक ही कंपनी है, वो है सिर्फ रशिया। रशिया ने Su-30 को बनाया है। अभी मैं आपको बता दूं कि एवियोनिक्स के मामले में अगर बात करें तो इंडिया का Su-30 MKI मलेशियन Su-30 MKM और चाइनीज Su-30 MKC से बेहतरीन है। इंडिया के Su-30 MKI के अंदर इंडिया के खुद के एवियोनिक्स है और इसराइल के रडार लगे हुए हैं, और HAL भी Su-30 MKI के ऊपर काफी सालों से बहुत अच्छा काम करती आ रही है। तो ऐसे देखने जाए तो रशिया का भले ही ये फाइटर प्लेन हो, लेकिन लीड में जो है ये Su-30 MKI का वर्जन है। तो मलेशिया इंडिया से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उन्हें Su-30 MKM के लिए स्पेयर पार्ट्स चाहिए। फिलहाल मलेशिया के पास इसके 18 फाइटर प्लेन्स है, जिसमें से वो 4 ही ऑपरेट कर पा रहे हैं। मैं पहले भी ये अपने स्टेटस में डालता था कि जो Su-30 MKI प्लेन्स है वो मैन्युवरेबिलिटी में काफ़ी सुपर है, ऑसम काम करते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी जो अवेबिलिटी रेट्स हैं वो बहुत कम है, काफ़ी कम है। अगर इमरजेंसी आ जाए, इंडिया के पास 270 के करीब Su-30 MKI है, अगर इमरजेंसी आ जाए तो ये मैं कैलकुलेशन लगा सकता हूँ कि सम अराउंड 150 फाइटर प्लेन्स ही जो रहेंगे वो मिशन को जो अंजाम देने की कोशिश में रहेंगे। लेकिन ऐसे देखने जाए तो एक बेहतरीन प्लेन है, लेकिन अवेबिलिटी रेट्स काफ़ी कम रहता है। अभी देखना ये होगा कि इंडिया जो है वो मलेशिया को Su-30 MKM के लिए स्पेयर पार्ट्स देता है कि नहीं। अगर इंडिया इसे बेचता भी है तो उसे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया इसे HAL के थ्रू बनाता है, लाइसेंस बाय रशिया की ओर से। तो यहाँ पे खाली मैन पावर मिलेगी, बाकी तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। अभी हमारी आठवीं न्यूज जो आ रही है वो इसरो की ओर से आ रही है दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया इसरो के साथ, मैं आपको बता देता हूँ। इसरो ने जो है उसकी एक सैटेलाइट लॉन्च करनी थी, GSAT-11। इसका तकरीबन वेट रहेगा 5.70 मेट्रिक टन के आसपास। अभी प्रॉब्लम यह हो गया है कि इसरो के पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि 4 टन के ऊपर की सैटेलाइट्स को खुद ही लॉन्च कर सके। तो इंडिया को इसे जो है फ्रांस की कंपनी एरियाना स्पेस की मदद से लॉन्च करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है, एरियाना स्पेस ने ये बता दिया है वो इसरो का ये सैटेलाइट GSAT-11 तभी लॉन्च करेगा जब भी इसरो उसे एरियाना स्पेस को GSAT-30 और 31 का कॉन्ट्रैक्ट दे दे, और इसके लिए उन्होंने डिमांड किया है 950 करोड़ रुपए। अभी ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जोक ये हो गया है कि भाई स्पेस कमीशन ने जो है इसरो को पहले ही 960 करोड़ रुपए दे दिए थे GSAT-30 और 31 को बनाने के लिए। अभी आप ही सोचिए, और 950 करोड़ उन सैटेलाइट को हमें लॉन्च करने के लिए, इतने में तो भाई 2 सैटेलाइट नहीं बन जाएगी। लेकिन फिलहाल इंडिया के गले में हड्डी अटकी हुई है। अभी तो शायद इसरो को जो है वो स्पेस कमीशन से रिक्वेस्ट करके 950 CR जो है वो एरियाना स्पेस को दे के उनकी तीनों भी जो सैटेलाइट्स है उन्हें कंपलसरी लॉन्च करना पड़ेगा।
बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, जब इंडिया के पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं रहती है सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, तो इंडिया इसरो इसके ऊपर भी काम कर रहा है और शायद बहुत जल्दी इसरो को इसमें सफलता मिल सकती है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी। अभी नाइन्थ न्यूज जो आ रही है वो नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की ओर से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो नासम टू नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, ये एक अमेरिका का प्रोजेक्ट था दोस्तों। रिसेंटली जब 2+2 डायलॉग मीटिंग हुई थी इंडिया की निर्मला सीतारमन जी और सुषमा स्वराज और जो जेम्स मेटिस थे उनके साथ, तो उन्होंने हमने ये इंटरेस्ट दिखाया कि हमें इसमें इंटरेस्ट है परचेस करने में, प्रोक्योर करने में। ये डिफेंस सिस्टम अगर जो हमें मिलता है तो हम इससे इंडिया की जितनी भी मेट्रो सिटीज है उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो भाई जिसके पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्रीज हो उसे तो भाई ये सिस्टम ले लेना चाहिए। और मैं तो कहूँ अगर इंडिया सिस्टम नहीं भी लेती है तो मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि DRDO ने जो है वो खुद का एक सिस्टम बना लिया है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया इसे परचेस करने में इंटरेस्ट दिखा रही है तो भाई ये तो एक अच्छी बात है। और आप कुछ भी देख लीजिए, लास्ट 4 ईयर का डेटा देख लीजिए, इंडिया जो है डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर करने में ऑलवेज नंबर 1 रहा है, तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात है। तो दोस्तों दूसरी जो बात है वो भी इसी न्यूज के रिलेटेड है। इसी मीटिंग के अंदर इंडिया ने जो है एक इंटरेस्ट दिखाया था यूएसए को कि वो 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स लेना चाहते हैं यूएसए के पास से, जो कि एक रोमियो हेलीकॉप्टर्स रोमियो चॉपर्स है यूएसए के। वो अभी ये 111 हेलीकॉप्टर्स अगर इंडिया में आ गए तो इंडिया के जितने भी फिलहाल के नेवी जो हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रहा है, जो कि चेतक है ध्रुव है, इन हेलीकॉप्टर को इंडिया रिप्लेस कर देगी। और ये हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडिया उनके पास जो है नेवल यूनिट्स जो पड़े हैं उनके साथ कंबाइन ऑपरेट करेगी। और इसका इसे ऑपरेट करने में आ सकता है रेस्क्यू मिशंस के लिए, कोस्ट गार्ड सिक्योरिटीज के लिए और वगैरह वगैरह, ये एक अच्छी बात है। लेकिन 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ये नंबर्स जो है कुछ ज़्यादा ही हो गए भाई। इसके बदले अगर अपाची हेलीकॉप्टर ले लिए रहते तो भाई कुछ अच्छी बात होती, लेकिन ये 111 हेलीकॉप्टर्स नेवल के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अभी यहाँ पे एक न्यूज और आ रही है, हम सबको एक प्राउड फील करना चाहिए भाई। इंडिया की जो टैंक रेजिमेंट है उसका अभी एक टैंक रेस हुआ था रशिया में, तो इसमें अजरबैजान करके कंट्री है, शायद ही आपने इनका नाम सुना होगा, एक सोवियत कंट्री है, इनकी टैंक जो है रेस में फर्स्ट कॉम्पिटिशन में नंबर 1 पे आई थी, इनका रैंक फर्स्ट था। लेकिन जब ये दूसरी रेस हुई तभी इंडियन टैंक्स ने बाजी मार ली और इंडिया का रैंक हो गया नंबर 1। कोई भी टैंक, टोटल 8 कंट्रीज या 9 कंट्रीज माइट बी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस टैंक रेस में, लेकिन इंडिया का नंबर फिलहाल नंबर 1 पे चल रहा है दोस्तों। ये कहते हुए मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि भाई ये टैंक ने जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री की डाइव मारी है पानी के अंदर और वहां से वो बाहर निकली है, और बेहतरीन एवियोनिक्स मतलब बेहतरीन उन्होंने अपनी मैन्युवेबिलिटी दिखाई है। 360 डिग्री टर्न पूरा उन्होंने घुमा है। आप यूट्यूब के ऊपर शायद आप देख भी सकते हैं, आपको मिल जाएगी डिफेंस बत्रा या डिफेंस अपडेट्स का अगर आप चेक करोगे वहां पे जाके तो आपको पूरा वीडियो दिखाया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन जो ये हुआ था रेस मानना पड़ेगा भाई, इंडियन टैंक्स ने वाकई ही बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, फिलहाल तो अभी के लिए सारी न्यूज खत्म हो चुकी है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इंडिया जो है वो बहुत जल्दी टिल 2090 या 2019 अगर मैं बात करूँ तो नवंबर तक INS विक्रांत को लॉन्च करने वाला है। आप सोच रहेंगे INS विक्रांत को तो भाई हमने डीकमीशन कर दिया था, टीवी में एड दिखा रहे हैं कि भाई उसके पार्ट को तोड़ के बाइक्स में यूज किया है। अभी मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना श्योर बता सकता हूँ एक नए जनरेशन की INS विक्रांत जो है वो बहुत जल्दी इंडियन नेवी में डिप्लॉय करने वाली है, और ये इंडिया का जो रहेगा वो सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा INS विक्रम आदित्य के बाद। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसे हम देखने जाए तो भाई पाकिस्तान ने जो है INS विक्रम आदित्य को समुंदर का हाथी कहा है, इसका खिताब दिया है। तो आप सोचिए दोस्तों कि INS विक्रम आदित्य जो है वो कितना वॉरशिप, कौन सा शिप, कौन से लेवल का रहेगा, कितना डेंजर रहेगा। INS विक्रम आदित्य के बारे में आपको कुछ जानकारी बता दूं, INS विक्रम आदित्य जो है वो एक रशियन वॉरशिप था जिसे रशिया ने डीकमीशन कर दिया था और इंडिया ने उसके पार्ट्स को यहाँ पे ही कुछ मैन्युफैक्चर करके लगाए थे, कुछ पार्ट रशिया से आए थे और ये डेवलप किए। INS विक्रम आदित्य इतना पावरफुल शिप है दोस्तों कि अगर ये एक बार निकल जाए इंडियन पोर्ट से तो तकरीबन 45 डेज तक पानी के अंदर रह सकता है, और वो अगर किसी एरिया में आ गया तो उसका वहां दबदबा कायम हो जाता है।
इसकी रेंज जो है वो सम अराउंड 500 किलोमीटर की है, वो 500 किलोमीटर के पूरे दायरे को कवर कर सकता है और कम्प्लीटली अपना जो है सर्वेलेंस वहाँ पे रख सकता है। फिलहाल INS विक्रम आदित्य इंडिया के लिए एक फ्रंटियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी उसके ऊपर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स की भी तैयारी की जा रही है, जैसे कि तेजस है और ये रोमियो हेलीकॉप्टर जो आ रहा है USA की ओर से, वो भी शायद हम इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे डिप्लॉय कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़, और एक आपको बोनस इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कभी कभार पूछते कि भाई सबमरीन जो है वो ऑपरेट कैसे की जाती है पानी के अंदर, ना तो उसमें कोई ग्लास लगा रहता है आगे, तो अंदर बैठा ऑपरेटर देख कैसे सकता है कि भाई आगे पानी के अंदर हिल है या कुछ ऑब्स्टिकल जा रहे, कैसे पता चलता है? तो मैं आपको बता दूं भाई, सबमरीन जो है वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। अभी होता ये है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालेंगे तो पानी, अगर वो ऑब्जेक्ट हल्का रहेगा तो ऊपर तैरेगा, अगर हैवी रहेगा तो नीचे जाएगा। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से जो है सबमरीन के अंदर ऐसा प्रेशर जनरेट करने में आता है कि पानी के, सबमरीन के नीचे पानी, पानी का जो वजन है वो कितना दबाव दे रहा है सबमरीन को उठने के लिए, उतना ही दबाव जो है सबमरीन पानी के ऊपर डालती है। तो इस प्रेशर की वजह से सबमरीन जो है वो ऊपर तैर जाती है। और दूसरा, जब भी सबमरीन को डाइव करना रहता है तभी सबमरीन के बाहर जो है वो चार लेयर रहते हैं, उसमें से जो पहला लेयर रहता है उसे ब्लास्ट टैंक कहते हैं। वो टैंक का जो वाल्व रहता है, वो वाल्व अगर एक बार ओपन कर दो तो समंदर का जो भी पानी है, ओशन का पानी, वो उस टैंक के अंदर चला जाता है और वो सबमरीन को अपने आप ही नीचे प्रेशर कर देता है, इससे सबमरीन नीचे चली जाती है। अभी रही बात आगे पीछे घूमने की, तो भाई सबमरीन के अंदर एक है सोनार सिस्टम लगा रहता है। सोनार सिग्नल्स की वजह से सबमरीन जो है आगे के ऑब्स्टिकल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लेती है और मूवमेंट करती है। प्रपल्शन सिस्टम भी रहता है जिससे सबमरीन जो है आगे पीछे मूवमेंट करती है, और एरोडायनामिक फीचर के लिए ऊपर दो स्विंग रहती है, आइदर आगे रहेगी या ऊपर रहती है। इस स्विंग की मदद से सबमरीन जो है वो लेफ्ट और राइट टर्न ले लेती है। अभी मैं आपको बता दूं सबमरीन की लाइफ जो है वहाँ पे नेवल के जो ऑफिसर्स रहते हैं उनकी लाइफ इतनी ईजी नहीं रहती है। सबमरीन के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एक तो क्लीन ऑक्सीजन मिलता है नहीं, एक तो वो पानी के अंदर डाइव करके चलती है, तो इसके लिए सबमरीन को जो है वो सोडा लाइम प्रोसेस से गुजारा जाता है। सोडा लाइम प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक ऑफ कर लेता है अंदर, और जब भी सबमरीन सरफेस होती है, बोट सरफेस जब भी होती है, तो उसे वहाँ से एवेपराइज कर दिया जाता है, और जब भी वो वापस डाइव करती है तभी ऑक्सीजन की जो कमी है वो इनफ हो जाती है। तो इस तरह से सबमरीन बेसिकली जो है वो चलती है। अभी मैं आपको दूसरी चीज़ बता दूँ खास सबमरीन के बारे में। आप सोचते रहेंगे कि भाई सबमरीन जो है वो दो दो महीने तक पानी के अंदर रहती है, डाइव करती है, ओशन में रहती है, तो उसे पीने का पानी कहाँ से मिलता है? दोस्तों कोई भी सबमरीन अगर कोई ऑपरेट करता है, कोई भी सबमरीन हो, उसे पीने के पानी के लिए जो है वो सी वाटर या ओशन वाटर के ऊपर ही रिलायबल रहना पड़ता है। अभी हर एक सबमरीन के अंदर एक रिएक्टर लगा रहता है, उस पानी को अंदर लेके उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है और वो जो पानी है वो पीने लायक बना दिया जाता है। अगर बात करने जाओ तो इस प्रोसेस के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक दिन में 45,000 गैलन्स का पानी इजीली प्योरीफाई करके दे सकता है। तो दोस्तों बस आज की न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्द मैं आपके लिए कुछ अनबॉक्सिंग्स भी ला रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये चैनल कैसी लग रही है। तो दोस्तों वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे, एंजॉय कीजिए, हैप्पी संडे, जय हिंद।